विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाई न्यूक्लियर रेडिएशन, अर्थात है कि न्यूक्लियर विकिरण से हमारे शरीर का कौन भाग सबसे प्रभावित होता है। तो देखिए स्किन अर्थात चमड़ा, देखिए यहाँ पे जो आप जो फिगर को देख रहे हैं, एक पिक्चर को देख रहे हैं, वहां भूरे कलर का है, देखिए वहां एबनॉर्मल एरिया लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं, क्या कहते हैं उसे, न्यूक्लियर का मतलब हो गया, बूढ़ा हो गया हूं यार, न्यूक्लियर का हिंदी आ ही नहीं रहा है, चलो। तो न्यूक्लियर विकिरण से सबसे पहला जो होता है चमड़े पे प्रभाव पड़ता है, तो स्किन पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। ऑलिव रिडले क्या है? ऑलिव रिडले जो है एक प्रकार का कछुआ है, इसको टर्टल बोलते हैं, टर्टल मतलब छोटा कछुआ जो होता है, तो ये टर्टल स्पीसीज को बोलते हैं, इसका नाम है ऑलिव रिडले। द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बींग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ, याद रखेंगे, 5 से 10 डेसिबल, 5 to 10 डेसिबल। देखिए नीचे कान का एक ये दिया हुआ है, कान के ऊपर का जिसको पिन्ना बोलते हैं, अंदर में ईयर ड्रम होता है जिसको हम हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं। इस कान के पर्दे पर 5 से 10 डेसिबल की ध्वनि जो है वही बर्दाश्त कर सकता है, इसके ऊपर का ध्वनि जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था ने 5 से 10 डेसिबल के आवाज को ही अनुमोदित किया है। जोनास सॉक इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर्म, मतलब है कि जोनास सॉक ने किस चीज का टीका का इन्वेंशन किया था। देखिए पोलियो के टीका का उन्होंने इन्वेंशन किया था, और सही में ये वंदनीय व्यक्ति हैं। किस क्यों हैं? इन्होंने अपने इस इन्वेंशन और इस खोज को मानव जाति को पोलियो से मुक्त होने के लिए फ्री में दे दिया था। इसलिए अगर मैं महात्माओं की बात करता हूं तो मैं मेरे हिसाब से जोनास सॉल्क भी एक जरूर ऐसे ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पोलियो क्या है, विटामिन डी के कमी से होता है, जो हम आगे भी देखेंगे। कैंसर इज ए डिजीज वेयर वी फाउंड अनकंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल के बाहर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। देखिए इस पिक्चर में एक बाएं तरफ है और एक दाहिने तरफ है। बाएं तरफ जो है वो क्या कहते हैं, पीले रंग का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पिंक कलर का जो है, देखिए नॉर्मल सेल्स है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। लेकिन अब दाहिने तरफ देखेंगे ये कैंसर का सेल है, इसके डीएनए में खराबी आ चुका है, तो पहले 1 से 2 बना, 4 बना, 4 से असंख्य बन गए, यही कैंसर है। तो कैंसर में क्या होता है, सेल मर नहीं जाते हैं, कोशिकाएं मरते नहीं है, कोशिकाओं का असंख्य विभाजन शुरू हो जाता है जिसके लिए गांठ बन जाता है वहां पे। तो हम बोलते हैं ना मेलिग्नेंट, क्या कहते हैं, नोट्स, मेलिग्नेंट नोट्स मतलब है जो गांठ जो है, जो उस गांठ को ही हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। देखिए ये आपका क्या कहते हैं, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका फिगर्स को नहीं डाला है। लैक जिसको लाह बोलते हैं, विच इज यूज्ड एज ए सीलिंग वैक्स, तो हमने देखा हुआ था लाह एक कीड़े से बनता है, कीड़ा याद है डंठी पे था, एक पहले चींटी भी था उसमें हमने देखा हुआ था, तो वो जो लाह जो है किसी, जो हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, तो ये एक प्राणी से होता है, इंसेक्ट से होता है, कीड़ा से होता है, कीड़ा के शरीर से बाहर निकलने वाले रस से ही लाह या लैक बनते हैं। ट्रिपल वैक्सीन अर्थात होता है इसके अंदर में 3 टीका होता है, इसको डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, जो जन्म के 48 घंटे के अंदर में देना जरूरी होता है बच्चों को, उसके अंदर में डीपीटी बोलते हैं। डी मतलब डिप्थेरिया, डिप्थेरिया देखिए बाएं तरफ मुंह खुला हुआ है, आपके यहां पे एक ये हो जाता है, क्या कहते हैं, एक सफेद रंग का दाग हो जाता है, जो मतलब उसका लक्षण है। दूसरा है पर्टुसिस वैक्सीन, पर्टुसिस वैक्सीन क्या है, ये पी देखो है, पी से पर्टुसिस है, मतलब हुपिंग कफ, जो बार बार बच्चों को खांसी आती है, खांसी बलगम आते आते खून तक निकल जाता है। तो ये आप ऊपर का वो बच्ची का पिक्चर देख रहे हैं, ऊपर में जो रखा हुआ है वो खांस रही है, दिस इज द पर्टुसिस वैक्सीन।
और तीसरा होता है टीटेनस। टीटेनस वैक्सीन आ तो है तो इसको हम पहले भी हम देख चुके हैं, धनुष्टंकार हो जाता है, शरीर आपका मुड़ जाता है, जबड़ा आपका फंस जाता है, वो आपका वो नहीं हो उसके लिए दिया जाता है। तो बचपन में ही 48 घंटे के अंदर में ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है जिसको डीपीटी बोला जाता है, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टीटेनस। इसे जरूर याद रखेंगे, बार बार सवाल आता है। एंटीबायोटिक इज मतलब है कि एंटीबायोटिक क्या, पहले इसको समझ लें। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, आपके जीवन के नहीं, आपके अंदर जो आक्रमण किए हुए जीव हैं उनके जीवन के अगेंस्ट में जो होता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए ये किसी जीव पदार्थ से जैसे ईस्ट से निकाला जाता है और ये सिंथेटिक मतलब केमिकल से निकाला जाता है। और एंटीबायोटिक दो काम कर सकता है, या तो वो जीवाणु को मार देता है या जीवाणु के वंश वृद्धि को रोक देता है। तो क्या है, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो है ना। तो इसी का मतलब है एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ, ए केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक कमी केमिकल निकालना है, निकालता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल दूसरे मार्के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, तो उसी का नाम है एंटीबायोटिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर, लीवर से कौन सा विटामिन बनता है। देखिए एक लीवर का हमने यहां पिक्चर, लीवर का एक लोव का पिक्चर है और इसमें विटामिन के बनता है। विटामिन के का काम क्या है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो विटामिन के कहां बनता है, विटामिन के लीवर में बनता है। विटामिन के का काम क्या है, रक्त को थक्का करने में, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करना। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कर्पसल इज कॉल्ड, देखिए खून को अगर आप ऐसे रख देते हैं तो जो परख नली में आपको दिख रही है, नीचे आपका आरबीसी होता है, लाल रक्त कण होता है, बीच में आपका ऊपर जो है नीले रंग का जो दिख रहा है, हल्का सा नीला रंग का है, वो आपका सफेद रक्त कण है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स है, ऊपर प्लाज्मा है, पानी वाला अंश जो प्लाज्मा है, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। और तब सीरम किसको बोलते हैं, सीरम बोलते हैं जब खून पूरा का पूरा थक्का बन जाता है। देखिए यहां एक ड्रॉपर्स के अंदर दिखाया जा रहा है, तो उसमें नीचे देखिए क्लॉटेड ब्लड है, क्लॉटेड ब्लड मतलब केमिकल के द्वारा इस ब्लड को क्लॉट कर दिया गया है, इसको थक्का बना दिया गया। तो ऊपर के जो पानी का पोर्शन है वो सीरम है। तो देखिए सीरम और प्लाज्मा में अंतर क्या हुआ, सीरम में खून को थक्का बनाया जाता है और प्लाज्मा में खून को ऐसे ही जो जब छोड़ दिया जाता है, पीले रंग का द्रव जो ऊपर होता है जो 55% होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, सीरम में नहीं है। सीरम में हम किसी केमिकल से रक्त को थक्का बना देते हैं तो उसके ऊपर जो पानी का अंश होता है उसे ही हम सीरम बोलते हैं। What is heart murmur या heart murmur indicates a, देखो heart murmur क्या है कि आपके जब हृदय से, किसी के भी हृदय से, आपके हृदय से नहीं सारे के हृदय से, जब खून एक चेंबर से दूसरे चेंबर में वल्व से होकर जाती है तो एक आवाज होता है। जैसे आप नल की पानी खोलेंगे तो भी देखेंगे काफी फोर्स से अगर पानी आ रहा है तो एक हल्का सा आवाज होता है, इसको हम हार्ट मार्मर बोलते हैं। और जब ये हार्ट मार्मर में, ये वल्ब में कोई कमी आता है तो आवाज थोड़ा सा जोर से हो जाता है, जो आपको सुनाई नहीं देता है, एक डॉक्टर को सुनाई देता है। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं डिफेक्टिव वल्ब। डिफेक्टिव वल्ब का मतलब होता है कि हार्ट के चेंबर में, एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने में जो खून जा रहा है वहां के वल्ब में कोई खराबी हो गया है जिसके चलते आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट मार्मर। The language used in writing the scientific name of animals is, देखो पहले जमाने में जो बायोलॉजी में शब्द लिखे जाते हैं अभी भी लिखे जाते हैं तो वो सब के सब लैटिन है, लैटिन शब्द में, लैटिन भाषा है जो ग्रीक भाषा के काफी नजदीक है। जैसे हम होमो सेपियंस कहते हैं तो होमो सेपियंस क्या है, ये एक लैटिन लैंग्वेज है।
मिठास, मिठास को हम ही हम देखो सुक्रोज कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं। सुक्रोज किस में होता है? सुगर केन, मतलब गन्ने में होता है जिससे चीनी निकलता है। और दूसरे फल के जो मिठास होता है उससे किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। तो फ्रुक्टोज जैसे राइप ग्रेप्स कंटेन, मतलब पका हुआ अंगूर में क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। हर पके हुए फल, जैसे देखा है मैंगो दिया हुआ है, एप्पल दिया हुआ है, पियर मतलब नाशपाती दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे जो पके हुए फल होते हैं इसके अंदर में क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। एमआरआई क्या है? एमआरआई शब्द का अर्थ है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, नीचे के जो पिक्चर देखते हैं ना, बोलते हैं एमआरआई करने के लिए पूरे आदमी को या जिस पार्ट में भी होता है, वहां पे एक चुंबक, चुंबकीय आपका रिजोनेंस क्रिएट होता है, चुंबकीय अवक्षेपण क्रिएट किया जाता है, जिससे शरीर के अंदर के सारे पिक्चर्स आते हैं। ये एक्सरे की विधि है, लेकिन एक्सरे में रे यूज होता है, एक्सरे यूज होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक रिजोनेंस में क्या होता है? चुंबकीय अवक्षेपण को क्रिएट किया जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस को क्रिएट किया जाता है, इसके लिए इसका नाम है एमआरआई। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ इज दंत चिकित्सक, दंत विज्ञान को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, ODON, ODONTOLOGY, ओडोंटोलॉजी। तो दंत विज्ञान को क्या बोलते हैं? दांत के विज्ञान को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। द एंजाइम इन हुज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल इज। देखिए ग्लूकोज मतलब होता है, ग्लूकोज तो आप जानते ही, क्या कि चीनी का ही सरल रूप है ग्लूकोज। और अभी हमने बोला कि फल के अंदर में जो मिठास होता है वो भी चीनी का एक पार्ट है, उसे बोलते हैं फ्रुक्टोज। ये चाहे चीनी की मिठास हो या फल की मिठास हो, इसे शराब में चेंज होता है, एल्कोहल में। और उस शराब में चेंज होने के लिए क्या जरूरत होता है? जाइमेज। जाइमेज करके एक क्या कहते हैं, एंजाइम है जो इसे शराब में चेंज करता है। और जाइमेज किस में पाया जाता है? ईस्ट में, जिस ईस्ट से आपका रोटी बनता है। और इसके लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो मतलब इस 18 से 20 डिग्री में हल्का गुनगुने इसमें रस में अगर आप ईस्ट को छोड़ देते हैं, तो ईस्ट का जो जाइमेज है, जाइमेज उसको आपको शराब में चेंज कर देता है। तो देखिए C6H12O6 ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, चाहे वो ग्लूकोज के रूप में हो चाहे वो फ्रुक्टोज के रूप में हो। और ये जब कन्वर्ट होता है तो इथाइल एल्कोहल बनता है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना। तो फिर आपको कौन बनाता है? जाइमेज। इसमें एंजाइम क्या है? जाइमेज है। किसमें पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है। चलिए शराब बनाने की प्रक्रिया तो जान गए, प्लीज शराब मत बनाइएगा घर में यार। द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गेनिज, विसरल ऑर्गन का मतलब होता है हर महत्वपूर्ण अंग जो शरीर के अंदर है, उसके स्टडी को करना, उसके स्टडी को करना को बोलते हैं स्प्लांक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्प्लांक्नोलॉजी। देखिए इसमें एलिमेंट्री सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप जो भोजन खाते हैं मुंह से लेके जाकर पैखाने के रास्ते तक निकालता है उसको एलिमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके नाक से लेके आपके क्या कहते हैं लंग्स तक का है, फुसफुस तक का है। यूरिनरी सिस्टम जिसमें आप मूत्र आपसे निकलता है। जेनिटल सिस्टम जो होता है वो जननांग जो होता है। ये सारे का अध्ययन, मतलब आप सीधे सीधे बोलिए इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी का जो अध्ययन होता है वो सारा का सारा आपका स्प्लांक्नोलॉजी के अंदर में होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज, सेल का मतलब होता है कोष, चाहे वो पादप का कोष हो, मतलब आपका किसी प्राणी का कोष हो, मतलब किसी पेड़ का कोष हो, या किसी आपका जंतु का कोष हो, या बैक्टीरिया का कोष हो, इन सारे कोषों को, सारे सेल्स के अध्ययन जो माइक्रोस्कोप से होता है, इसके माध्यम से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब है कोष विज्ञान, मतलब साइंस ऑफ सेल्स।
द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड, एक्सटिंक्ट एनिमल का मतलब होता है लुप्त जीवों को, जैसे डायनोसर हम सुनते थे, तो उनके जो कंकाल हैं, उनके कंकाल के बेस पर जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी जो है वो है लुप्त प्राय जीवों का अध्ययन उनके कंकाल से। द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड पेलियंटोलॉजी। द मेडिकल टर्म यूज फॉर द स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आना, जहां पे ये एक दिन का नींद नहीं आना होता है, जो हर वक्त होता है कि रात को सोते हैं एक बजे के पहले नींद नहीं आती है, इस ये एक रोग की तरह है, इसको बोलते हैं इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब है स्लीपलेसनेस। इंसोमनिया एक वैज्ञानिक नाम है जिसका कारण जिसको बोलते हैं नींद नहीं आना, तो इंसोमनिया। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज, ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी हम जानते हैं जिसको क्षय रोग बोलते हैं, जो आपके फुसफुस में होता है मतलब लंग्स में होता है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ पिक्चर भी देखें आगे भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने पूछा देखा हुआ था कि ट्यूबरक्यूलोसिस फैलाने में एक हाथ जो होता है बहुत बड़ा हाथ वो दूध का भी होता है, और एक ये बैक्टीरिया से फैलता है जो सबसे सूक्ष्म छोटे सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं, और इसको क्या बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब टीबी का रोग, टीबी का रोग मतलब होता है आपके लंग्स में ये इनका संक्रमण, क्या माइकोबैक्टीरियम का। यहां पे आप एक दूसरे छेद में गोल करके दिया हुआ है, देखें वह माइकोबैक्टीरियम का धागे की तरह दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपके माइकोबैक्टीरियम है। द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सेलिवा ऑफ मैन इज, सेलिवा का मतलब होता है लार, तो लार में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है, आप जो खाना खाते हैं जिसके अंदर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है, शुगर का पोर्शन होता है, उसे तोड़ देता है, जिसके लिए आप कभी कभी चीनी खाने के बाद थोड़े देर के बाद आप मुंह में खट्टेपन का एहसास होता है। तो ये क्या है, लार में कौन सा एंजाइम है जो आपको स्टार्च को पचाने में मदद करता है, उसका नाम है एमाइलेज, एमाइलेज। ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज, ब्लड कैंसर मतलब रक्त में कैंसर, कैंसर का होना मतलब देखें सेल का एकाएक अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर है। देखिए आप देख रहे हैं यहां पे एक ब्लड का धमनी का चित्र है, उसमें देखेंगे ब्लड दो तरह के हैं, एक जो ब्लड का आकार खत्म हुआ। ये ल्यूकोमिया कहां पे होता है, देखिए अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही लाल रक्त कण बनते हैं। जब कैंसर होता है तो ये बोन मैरो में जो है, ये मैरो के जो सेल हैं इनका अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ हड्डी में कुछ पोर्शन में नीचे वाले में, जहां नॉर्मल बोन मैरो लिखा हुआ है, देखिए अस्थि मज्जा गोल गोल जो है, और उसके बाद पीला भाग छूटा हुआ है, और ऊपर में देखेंगे एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन जहां लिखा हुआ है, वहां देखेंगे पूरा का चौकोर भाग जो है आपके मज्जा से भर गया है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, जिसके कारण एक बच्चे का यहाँ पे दिया हुआ है दो फोटो, एक देखिए जो केस नहीं है झड़ गया है, ये इसका ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट हो रहा है केमोथेरेपी से, जिसके लिए उसका चेहरा वैसा दिख रहा है, और दाहिने वाला जो चित्र है वो उस बच्चे की पहले की चित्र है। तो ये एक बहुत ही अनकंट्रोल रोग है, अभी तो इसमें थोड़ा सा हम ये पाए हुए हैं, खाली यही दुआ करते हैं कि भगवान को अपने जानने वाले में से किसी को भी यार ल्यूकेमिया नहीं हो। रेडियो इम्यूनो एसे, RIA, रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो एसे, ये जो थेरेपी है ये किसके लिए यूज होता है, कि आपके रक्त में एंटीबॉडीज जो मतलब बाहर से लड़ने की ताकत जो है, आपके शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडीज बनता है वो कितना है, और आपके रक्त में आपका हार्मोन कितना है, दोनों ही जरूरत है जीवन क्रिया को चलने के लिए। देखिए उसमें क्या है कि नेक्रोटिक डिटेक्शन आप ड्रग लेते हैं तो आपके ये एंटीबॉडीज और हार्मोन में चेंज हो जाता है। ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग फॉर द हेपेटाइटिस, ब्लड बैंक में भी इसका यूज होता है, जब खून लिया जाता है इस RIA के सहारे देखा जाता है कि जो दाता का खून है उसमें
वायरस तो नहीं है। ल्यूकेमिया जैसे अर्ली कैंसर अगर होते हैं किसी को तो उसको भी चेक होता है आरआई से, और हार्मोन लेवल जो बोला मैं आरआई से चेक होता है। ल्यूकेमिया वायरस जो है फिर वही आता है कि वही आपका जो ब्लड कैंसर के जो वायरस से अगर किसी हो रहा है तो उसको भी आरआईए टेस्ट से ही जाया जाता है। पेप्टिक अल्सर का भी डायग्नोसिस जो है आरआईए से होता है। इस तरह न्यूरोट्रांसमिशन में भी आरआईए का इस्तेमाल होता है। इस तरह आरआईए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चेकअप है जो आपका रेडियोलॉजी के अंदर में आता है, और इससे आपने देखा कि ब्लड में एंटीबॉडीज और हार्मोन की मात्रा को जानते हुए इतने सारे रोगों के बारे में हम पता करते हैं। Which one of following is not a true snake? देखने में तो सांप जैसा लगता है, वो सांप नहीं है बल्कि एक छिपकली का वंशधर है जिसको ग्लास स्नेक बोलते हैं, जिसको आप देख रहे हैं। ये छिपकली का वंशधर है। छिपकली और सांप में बहुत अंतर होते हैं। ये छिपकली का वंश है, इसे ग्लास स्नेक कहते हैं। तो मतलब ग्लास स्नेक जो है वो सांप नहीं होता है, सांप की तरह दिखता है। Which one of the following set belongs to the class of mammalia? Mammalia किसको बोलते हैं? Mammalia बोलते हैं जिसके बच्चे माता का दूध पीते हैं, जैसे आपके खरगोश होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, भैंस होता है, गाय होता है, कंगारू होता है, बंदर होता है, आपका बाघ होता है, सिंह होता है। दूसरा जिनके चमड़े पे लोम होते हैं, हेयर होते हैं, और जिसमें डायफ्राम होता है छाती के अंदर, और थ्री मिडल ईयर ऑसिकल्स होता है, ये तो बाद में हम देखेंगे, तो उसको मैमेलियंस कहते हैं। मैमेलियंस का सबसे पहला पहचान है कि वो अंडे नहीं देते हैं और बच्चे जो हैं दूध पीते हैं। तो अभी आप तो देख रहे हैं इसमें वेल है, वेल जबकि पानी में रहता है, ये भी मैमेलियन है, बच्चे इसके दूध पीते हैं। बैट है, चमगादड़ है, कंगारू है, हिपोपोटामस है, ये सारे के सारे जो है मैमेलियन ग्रुप्स में आते हैं। Which one of the following pairs belongs to cartilaginous fish? जरा आप कान पे हाथ रखिए तो, अरे घबराइए नहीं, कान पे हाथ रखिए तो देखिएगा, कान आपका मुड़ता है लेकिन एक थोड़ी करक सी भाव है। ये क्या है? ये कार्टिलेज है, बोन नहीं है। आप अपने पैर के हड्डी को बीच में आप एक करक महसूस करते हैं। तो क्या है कि कार्टिलेज है वो हल्का सा होता है, मतलब वो मुड़ सकता है। तो आप शार्क और रे, दो मछली है, बाएं तरफ का मछली शार्क है, बीच का मछली रे है। ये जो है कार्टिलेजियस फिश है, इसके अंदर में पूरे बोन्स नहीं मिलते, इसमें कार्टिलेज होते हैं, इसके लिए भयंकर तेजी भी पकड़ सकते हैं। और बोन्स क्या होते हैं? अगर आप मछली खाते हैं तो आप मछली का एक मेरुदंड देखते हैं जो पूरे शक्त होता है। तो कार्टिलेजियस फिश में क्या आता है, दो आपके एग्जाम्पल को देख लीजिए, और कान की बात को याद रखेंगे तो कार्टिलेज आपका तुरंत याद आ जाएगा, और वो कार्टिलेज में होता है शार्क मछली और रे मछली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश? देखिए नाम है सिल्वर फिश, लगता है सिल्वर जैसा चमकता हुआ कोई मछली होगा, जी नहीं। अगर आप पुराने किताब को देखेंगे, बड़ा हुआ है घर में है, देखेंगे इस तरह का एक कीड़ा निकलता है, ये चमकीला सा होता है और इस तरह का देखने में होता है। ठीक से देखिए, इसको आपने जरूर देखा है, ये घर में जहां पे बहुत दिनों से कोई चीज पड़ा हुआ रहता है ये रहता है, इसी का नाम है सिल्वर फिश। तो ये फिश देख के आप मत समझ लीजिएगा कि ये फिश है, जैसे ग्लास स्नेक स्नेक नहीं होता है उस तरह सिल्वर फिश फिश नहीं होता है। ये किताबों के बीच में रहने वाला, आपके कपबोर्ड के अंदर रहने वाला एक छोटा सा जीव है, काफी छोटा होता है ये। जॉन ग्रेगर मेंडल, जिसने बताया था कि जीवन कहां से आया, लॉज ऑफ हेरिडिटी, इनका जीवन काल है 1856 से 1863 में, जीवन काल नहीं है सॉरी, मतलब है इनके जो प्रसिद्धि की बात है। उन्होंने देखिए 28,000 मटर के पेड़ों पे उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया कर। ये बेसिकली एक पादरी थे और एक बहुत ज्यादा घूमे भी थे पूरा विश्व, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जीवन की जो विविधता है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी की विविधता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवंशिकता का, इन सारों के बारे में सबसे पहले उन्होंने
एक तर्क दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी।